हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज मैं आप सभी लोग को बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सभी लोग अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं और बनारस रेल इंजन कारखाना से अगर आप अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं तो फिर आप डिप्लोमा या बीटेक से हैं तो यहां पर ट्रेड है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो आप लोग तैयार हो जाइए और आप लोग जा करके NATS पे अपना पूरा बायोडाटा लॉगिन करके रख दीजिए। जैसे ही यहाँ से, क्योंकि मार्च महीना चल रहा है तो यहाँ पर जो हमारे लोगों से आगे जो बैच चल रहा था तो वो यहाँ पर उनकी परीक्षा एग्जाम हो चुकी है, इंटरव्यू हो चुका है, तो जल्द से जल्द 19-20 सीटों पर वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर जो है कोई परीक्षा कोई एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिप्लोमा जो मार्क है, जो परसेंटेज है, उसी के हिसाब से ले लिया जाता है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप लोग जाकर NATS पर लॉगिन करके पूरा डॉक्यूमेंट उस पर रख करके और एक अपना पहले बायोडाटा बना लेना, उस पर बायोडाटा भी मांगता है कि आप क्या किए हैं, कितने समय पास आउट है, तो उस पर जाके आप लोग लॉगिन करिए। पूरा वेरिफिकेशन एक हफ्ते में आपका हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से वैकेंसी रिलीज होगी तो आप जितने लोग उस पर वैकेंसी फिल करे रहेंगे उसमें परसेंटेज मार्क निकाल करके उनका पूरा लिस्ट क्लियर करके आ जाएगी, इतने लोग को सिलेक्शन हो गया है बनारस रेल इंजन कारखाना में। तो आप लोग जाइए, विजिट करिए वहाँ से और फॉर्म भरिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं रेलवे से अप्रेंटिस करने के लिए डिप्लोमा और बीटेक जितने भी लोग हैं, तो आप जल्द से जल्द जाइए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि मार्च महीना चाहे जब वैकेंसी आ सकती हैं। तो थैंक